नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि गीजर का फ्लो, गर्म पानी का जो कम आता है उसको तेज़ कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 25 लीटर का गीजर है, ये स्टैंड में लगा हुआ है। और आज हम इसका जो ब्लॉकेज है हमारी चौक हो गई है असेंबली, आज इसको हम सही करेंगे। इसको देखो कैसे करते हैं। ये हमारा प्लग है, सबसे पहले हम प्लग निकाल देंगे बाहर, उसके बाद में हम इसका सॉरी ये हम कनेक्शन खोलेंगे इसका पानी। ये हॉट वाटर है, इसको पहले खोल देंगे हम, इसका प्लास से खोलेंगे इसको। हम इसको खोल लेते हैं प्लास की मदद से। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए और कुछ सीखने के लिए। और आपने कर लिया है तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ये देखिए, ये खोल लिया हमने। ये देखिए, ये फ्लो हमारा बहुत कम आ रहा है इसमें। ये हमारी ये अंदर से इसमें पूरा पानी ब्लॉक हो रखा है इसमें ये। और ये हमारा इनलेट है, मतलब ठंडा पानी जो गीजर में जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये पानी जाने वाला है। और ये देखिए, इसका फ्लो देखिए कितनी तेज़ है, इसका फ्लो बहुत फास्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लो फास्ट है, मगर इसका जो आउटलेट है वो नहीं है फास्ट इसका, क्योंकि इसमें गीजर में चौक हो गया अंदर से। इसको हम बंद डायरेक्टली बंद कर दिया हमने, आपस में जोड़ दिया। ये देखिए पाइप को, क्योंकि इसमें गेट वाल नहीं लगा, हम काम करेंगे तो उसका पानी निकलता रहेगा तब तक। ये हमने इसको कॉमन कर दिया आपस में। अब चलिए हम गीजर उतार लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये चार नट हैं हमारे, इसमें नट बोल्ट हैं, इसको हम खोल लेंगे और फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये चार नट हम खोल लेते हैं पहले हम इसके। ये खोल लिया हमने, नीचे उतार लिया हमने गीजर। और ये पीवीसी कनेक्शन हमारा एक लगा हुआ है, जो इसको भी अलग कर देते हैं ताकि काम करने में दिक्कत ना हो हमें। ये देखिए, ये हमने अलग कर दिया। और इसके वार्सल है, इसको संभाल के रखिए। आप भी काम करोगे तो सारा सामान संभाल के रखिएगा। ये हमारा ऑटो कट है, ये सीरीज हम सारी चीज़ निकाल देंगे इसको हम। ये ऑटो कट है हमारा, ये सारा हमने कनेक्शन निकाल दिए हमने। अब हम इसके ये इसमें छः नट लगे हुए हैं, इनको खोलेंगे प्लास की मदद से। ये छः नट हैं, 1 2 3 4 5 6। ये छः नटों को हम ढीला कर लेंगे प्लास से, ये ढीला कर लेते हैं हम सारे इसको। ये खोल लेते हैं हम ढीला करके पूरा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने ढीले कर लिए सारे नट प्लास से। ये सारे ढीले कर लिए, ये देखते रहिए दोस्तों। और आपसे गुजारिश है दोस्तों, ये वीडियो छोड़ के ना जाएं, ताकि आप अगर छोड़ के जाओगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे दोस्तों। आप ये मेरी वीडियो पूरी देखें आप, तभी कुछ सीख पाओगे, अन्यथा गीजर का पूरी रिपेयरिंग नहीं सीख पाओगे आप। ये देखते रहिए दोस्तों और सीखो आप कैसे ये काम होता है इसमें। ये देखिए आप, इसको मैंने निकाल लिया, सारे नट निकाल लिए इसके। ये प्लास से मैं थोड़ा सा उठा देता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है। सॉरी, ये देखिए दोस्तों, ये खारे पानी की वजह से पूरा ये अंदर से जाम हो गया। ये देखिए अंदर से, ये देखो, ये अंदर से देखिए पूरा भरा हुआ है, पूरा जाम हो गया पूरा। ये देखिए, ये पूरा जाम हो रखा है अंदर से पूरा, इसमें कार्बन कार्बन हो गया पूरा। ये सॉल्ट जम गया इसके अंदर से गर्म हो के इसका। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा सॉल्ट हो गया इसके अंदर, पूरा जाम हो गया, निकलने में भी दिक्कत कर रहा है ये। ये देखिए दोस्तों, ये मैं छुटाता हूँ आराम आराम से। ये देखिए, पूरा जाम हो रखा है अंदर से, पूरा भर गया ये। ये पूरा भरा हुआ है पूरा, इसको हम खोलेंगे अच्छी तरह से इसको। ये देखिए, इसको पूरा भरा हुआ जाम हो रखा है पूरा का पूरा। ये निकलने में भी बहुत दिक्कत कर रहा है,
इसको हम धीरे धीरे साफ़ करेंगे ताकि उसको थोड़ा कम हो जाए। ये देखिए थोड़ा साफ़ कर दिया मैंने इसको ताकि ये कम हुआ है, और अभी भी इसका एलिमेंट फंस रहा है, निकलने नहीं दे रहा है इसको, क्योंकि एलिमेंट में भी जाम हो रखा है, पूरा जंग लगी है, देखो पूरा भरा पड़ा है पूरा कचड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों पूरा जाम हो रखा है पूरा अंदर से इसका। इसका मैं बताऊंगा पूरा इसमें कैसे इसको खोलते हैं क्या करते हैं, इसको आप वीडियो पे बने रहें। ये देखिए ये निकाल लिया मैंने इसको पूरा बाहर, इसको कहते हैं असेंबली सॉरी, ये धूप में लेके चलता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको इसको। ये देखो यहाँ पे देखो, ये स्टील की हमारी असेंबली है, ये पूरी असेंबली है, इसमें एलिमेंट लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये पूरा खारे पानी से जम गया पूरा कचड़ा इसमें, ये पूरा नमक नमक जम गया पूरा इसमें, और इतना टूटी के पानी से नहीं होता है, ये नमक के पानी से ही होता है, ये नीचे जो समरसीबल का पानी आता है उसके पानी से ही ये होता है, ज़्यादा जमता है ये टूटी के पानी से, मीठे पानी से नहीं जमता ये, और एलिमेंट भी सही चलता है मीठे पानी में। ये देखिए दोस्तों ये पूरा जमा हुआ है इसके अंदर, इसको हम साफ़ करेंगे अच्छे से। ये देखिए ये इसकी इनलेट है, इसको इनलेट में नहीं इतना जमा हुआ है, आउटलेट में ज़्यादा जमा हुआ है। ये आउटलेट है इसकी, देखो हल्का सा मोरी है बस इसके अंदर, जरा सी बस। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल जरा सी दिख रही है, इसको हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से, इसका एलिमेंट निकालना पड़ेगा बाहर नहीं तो एलिमेंट टूट जाएगा। इसको साफ़ करके ताकि ये एलिमेंट इसका बाहर आ जाए, फिर इसमें काम करने में साफ़ करने में अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये पूरा जाम पड़ा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये इसको देखो साफ़ करता हूँ, देखो ठोकने से कितना कैसे छूट रहा है ना, ये पूरा पूरा छूट रहा है ये पूरा अंदर से, ये ठोकने से ही निकलता है इसके अंदर से, पूरा जाम हो रखा है ये पूरा मैंने ठोक ठोक के इसको साफ़ करना है इसको पूरा अच्छे से, ये आराम से करना है सावधानी से, एक भी पाइप टूटनी नहीं चाहिए, टूट गई तो फिर वेल्डिंग करवानी पड़ेगी गैस वेल्डिंग वाले से, पीतल की वेल्डिंग होती है इसके ऊपर, लोहे की वेल्डिंग नहीं चलती इसमें, हमेशा पीतल की वेल्डिंग होगी, अगर टूट जाती है तो वेल्डिंग करवानी पड़ती है वैसे। देखिए दोस्तों इसको हम अच्छे से साफ कर लेते हैं, देखिए दोस्तों इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से, ये देखो अच्छे से साफ हो रहा है बिल्कुल अच्छे से, ये ऐसे ही आपको करना है घर पे भी, अपना गीजर अपने आप करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा वो, और किसी भी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और मैकेनिक आएगा तो चार चीज़ें और ख़राब बताते हैं मैकेनिक जो भी आएगा, ये ख़राब है आपका, वो ख़राब है, फालतू में जो चीज़ ख़राब नहीं होती उसको भी मैकेनिक बोलते हैं ये ख़राब है उसको चेंज करो, फिर फालतू में आपको पता नहीं होगा तो वो चेंज करवा देते हैं, अपने आप करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, अपने आप चेक करके कीजिए काम, आधे घंटे में आप इसको क्लीन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये हमने एलिमेंट बाहर निकाल दिया है, ये देखो ये एलिमेंट बाहर निकल चुका है हमारा, इसको हम थोड़ा साफ़ कर देते हैं ताकि हमारा ये दोबारा काम आएगा, यही वाला लगाएंगे हम इसको, क्योंकि ये एलिमेंट फटा नहीं है, ये हमारा कंपनी का एलिमेंट है ठीटा कंपनी का, ये काफ़ी चला है एलिमेंट हमारा, अगर एलिमेंट फट जाता तो समझ लो ख़राब हो जाएगा, ये फटा नहीं हुआ है, और ये अंदर से भी वायरिंग इसकी सही है, और हम इसी को काम में लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये देखो ये हमारा एलिमेंट फर्स्ट क्लास साफ हो गया, अब इसको हम अलग रख देते हैं। ये देखिए कि कंपनी में दिखाता हूँ आपको कौन सी कंपनी का है, ये देखिए
ये देखो ठीटा कंपनी का है ये देखो ठीटा कंपनी का है, बढ़िया कंपनी होती है ठीटा। और यूनिकॉर्न का होता है, पहले मेरी वीडियो में यूनिकॉर्न का लगा हुआ है। ये देखो ये असेंबली हमारी पूरी, ये 6 नट की असेंबली बोलते हैं इसको, स्टैंड गीजर की। इसको साफ कर देते हैं अच्छी तरह से, जो पानी हमारा खुल के आएगा, पूरा पानी जो जाएगा वो ही आएगा बाहर। सॉरी, इसको देखिए ये, इसको अच्छे से सारा साफ कर देंगे हम अंदर से और बाहर से पूरा, और आराम से सावधानी से साफ करना है ताकि इसका एक भी पाइप नहीं टूटना चाहिए। अगर नीचे से पाइप कोई टूट गया तो आपका पानी स्टोर नहीं होगा गीजर में और एलिमेंट आपका फूक जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, एलिमेंट पाइप हमेशा नीचे से कोई पाइप नहीं टूटना चाहिए। ये देखो ये हमारा एलिमेंट है, ये असेंबली, सॉरी असेंबली है ये इनलेट है हमारी, ये इनलेट देखो, इनलेट खुली हुई है हमारी, ये ज़्यादा बंद नहीं है, इनलेट खुली हुई है, आर पार छेद नज़र आ रहा है इसमें। ये देखो ये आर पार छेद हो रखा है इसमें पूरा, ये खुली हुई है पूरी। और ये आउटलेट है हमारी, ये बंद है, ये इसको साफ़ करनी है हमें। ये जुड़ी हुई थी हमने पहले, इसको पहले भी सर्विस दी थी 2 साल पहले इसमें, तो हमने काट दिया था यहाँ से, साफ़ नहीं हुआ था, गोलाई राउंड में है ना इसलिए साफ़ नहीं हो पाया था, तो हमने काट दिया था इसको ऊपर से। अब ये दोबारा 2 साल बाद इसको सर्विस दे रहे हैं हम इसको, ये अब दोबारा इसको साफ़ करना पड़ेगा, ये राउंड में इसका सीधा सीधा हो जाएगा, इसका राउंड उसका ख़त्म करके ना सीधा सीधा करके इसको साफ़ कर देंगे, इसका पूरा कचरा निकाल देंगे। ये देखो ये पहले का जाम पड़ा है ना, पहले का है ये देखिए। अब इसको साफ़ करके इसको पानी, इसका पानी गीजर का पानी पूरा उल्टा कर देते हैं, इसके अंदर पूरा सॉल्ट भरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये निकाल दिया मैंने सारा सॉल्ट, ये देखिए कम से कम 2 किलो सॉल्ट निकला है इसके अंदर से, ये देखो पूरा ढेर लग गया। सॉरी, ये खाली हो चुका है हमारा गीजर पूरा। अब हम इसको साफ़ कर दिया हमने पूरा, मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा पूरा साफ़ हो रखा है ये देखो अच्छे से। एलिमेंट हमने पूरा पुराना ही यूज़ किया है, देखो पुराना लगा हुआ है इसमें, फिट कर दिया हमने बिल्कुल सेम उसी प्रकार से जिससे खोला था हमने, फिट कर दिया वहीं पे ही। ये देखिए पूरा एलिमेंट साफ़ हो रखा है। अब ये पाइप है आउटलेट की ये वाली, और ये इनलेट की है हमारी, ठीक है। और गीजर का पानी हमारा इतना रहेगा इसके अंदर, गीजर का एलिमेंट हमेशा डूबा रहेगा हमारा पानी में। ये देखिए स्टैंड में इतना रहना चाहिए हमारा, पाइपों से नीचे एलिमेंट रहना चाहिए हमेशा। ये देखिए पाइपों से नीचे एलिमेंट है, ये देखिए करीब 3 इंच का फर्क है, पानी में हमेशा डूबा रहेगा ये देखिए, ये लेवल पे पानी रहेगा हमारा। और यहाँ पे हमारा ये इनलेट है खड़ा रहेगा, तो अब मैं बताता हूँ लेटे में कैसा रहता है ये लेटे वाले गीजर में, सॉरी लेटे वाले में ये वाली पोजीशन रहती है, इसकी एलिमेंट हमेशा नीचे रहेगा पानी से, ताकि पानी में डूबा रहे, और जो पाइप निकलने वाला पानी होता है, निकलने वाले पाइप होते हैं पानी, वो ऊपर की तरफ रहते हैं और थोड़े ऊपर की ही तरफ बेंड होते हैं। वो किस पोजीशन में मैं बताता हूँ, देखो इस पोजीशन में ऊपर की तरफ ऐसे करके, ऐसे एक तरह करके रहेंगे थोड़े ऊपर की तरफ बेंड, ताकि ऊपर की तरफ पानी में ऊपर से पानी भरे और ऊपर का ऊपर ही निकल जाए, एलिमेंट की तरफ का पानी ना निकल पाए। ये देखिए अब ये हमारा तो स्टैंड है, ताकि हमारा तो खड़ा लगाना है, ये पाइप के ऊपर से पानी निकल जाएगा, भरता रहेगा, निकलता रहेगा, नीचे गर्म होता रहेगा। ये देखिए ऐसा स्टैंड होता है ये, और नीचे से अगर पाइप टूटी हुई है तो आपको बेल्ट करवानी पड़ेगी। पानी हमेशा स्टोर रहना चाहिए इसके अंदर। ये हमारा पॉकेट है, ऑटो कट की दोनों पॉकेट हैं ये, एक थर्मोस्टेट की एक ऑटो कट की, ये भी टूटी नहीं होनी चाहिए ऊपर से, बिल्कुल बिल्कुल सील होनी चाहिए। सॉरी, अब हम इसको फिट कर देते हैं जैसे हमने इसको खोला था। ये देखिए ये पूरा छेद हो रखा है, देखो अंदर से पूरा क्लीन नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखिए दोस्तों पूरा क्लीन है, ये दोनों छेद आपको नज़र आएंगे, ये देखो क्लीन है बिल्कुल, अंदर से पूरा खुल चुका है। अब हम इसको फिट कर देते हैं, ये हमने फिट कर दिया इसको जैसे हमने खोला था वही पोजीशन में। आप खोलते समय निशान लगा लेंगे पेन से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको इजी रहेगा। असेंबली और गीजर में इस निशान लगा लीजिए,
और आप वहीं के वहीं उसको दोबारा फिट कर दीजिए। ये देखो ये हमने फिट कर लिया है, उसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे प्लास से। ये फिट कर दिया हमने इसको, ये फिट कर दिया हमने, ये इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से। टाइट करके अब हम इसकी सीरीज लगा देते हैं जो हमने खोली थी। ये दोनों, एक ऑटोकट और एक थर्मोस्टेट लगा देते हैं हम इसमें। इसके कनेक्शन बहुत ही इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों थर्मोस्टेट को सीरीज में लगा दीजिए पावर में, एक ही वायर में दोनों लगा दीजिए और दूसरा आउटपुट लेके एक एलिमेंट के टर्मिनल पर लगा दीजिए और न्यूट्रल डायरेक्ट टर्मिनल पर लगा दीजिए। और दो बत्ती होती हैं, एक ऑटो कट में लगा दीजिए बत्ती इधर उधर, और एक थर्मोस्टेट में, नहीं एक ऑटो कट में लगा दीजिए और एक ग्रीन वाली इसमें एलिमेंट के दोनों टर्मिनल पर लगा दीजिए। बस आपकी बत्ती दोनों काम में आ जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन हो चुके हैं हमारे अच्छे से। इसको देखिए, इसका ये कनेक्शन कर दिया हमने सीरीज में, दोनों मेन पावर एक जो होती है लाल वाली वो हमने सीरीज में कर दी, और ये दोनों सीरीज में कर ली एक ही में, यहाँ से गई और वहाँ से आउटपुट ले लेंगे उस ऑटो कट से, एक एक वायर से ऑटो कट आउटपुट ले लेंगे। ये वायर है हमारे पास एक्स्ट्रा, इससे हम आउटपुट ले लेंगे। ये आउटपुट ले ली हमने वहाँ से, आउटपुट लेके एक टर्मिनल पे, ये आउटपुट ले ली हमने। ये देखिए, ये टर्मिनल पे लगा देंगे एक एलिमेंट के और टाइट कर देंगे उसको। ये देखिए, ये टर्मिनल पे लगा दी हमने, ये टर्मिनल पे लगा के इसको टाइट कर देंगे, और एक न्यूट्रल को हम डायरेक्ट लगा देंगे टर्मिनल पे। ये न्यूट्रल को डायरेक्ट लगाएंगे हम टर्मिनल पे, उसमें एलिमेंट के टर्मिनल पे डायरेक्ट लगाएंगे। ये डायरेक्ट लगा दिए दोस्तों। दोस्तों आप इलेक्ट्रिक के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक की जानकारी ले सकते हो। और गीजर की आपने सीख ही ली है, और भी कोई फिटिंग के लिए, कोई MCV के लिए, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप जानकारी ले सकते हो मेरे से, मैं हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये देखिए दोस्तों, कनेक्शन करके हम इसको टांग दिया हमने, इसको नट टाइट कर देंगे अच्छे से। ये देखो ये नट टाइट कर दिए हमने, अब इसको हम इसमें इनलेट पाइप लगाएंगे जिसमें पानी आता है ठंडा। सबसे पहले हम इनलेट लगाएंगे और गीजर को भर देंगे पूरा। ये देखो, इसको खोल लेते हैं अब यहाँ से, ये हमने कंबाइंड किया था आपस में, इसको हम खोल लेते हैं। खोल के हम वहाँ कस देंगे सीधा डायरेक्ट। ये देखो, ये मैंने खोल के इसको कस दिया यहाँ पे, ये टाइट कर दिया अच्छे से दोनों। अब ये भर रहा है गीजर हमारा, ये भर रहा है गीजर हमारा, ये भर जाएगा अभी, ये भर गया। ये देखो, ये भर गया हमारा गीजर। ये देखो, अब देखो इसका फ्लो कितना तेज़ है। कभी भी गीजर का फ्लो चेक करना है तो ये गीजर के पास से ही पाइप खोल के गीजर का फ्लो चेक करें, तभी आपको फ्लो पता लगेगा, ना कि टूटी में पता लगेगा। टूटी में कभी कभी सॉल्ट भी जमा हो जाता है, वहाँ से पता नहीं लगा सकते हो आप, यहीं से पता लगेगा गीजर के पास से गीजर का फ्लो कितना कम आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए, फिटिंग हो चुकी है दोस्तों हमारी अच्छे से, और ये देखिए, ये अच्छे से फिटिंग हो रखी है हमारी। कभी भी गीजर को खाली ना चलाएं, गीजर में पानी जमा हो जाए तभी गीजर को चलाएं। और मैं आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ऑन ऑफ़ करेंगे हम इसका, बत्ती काम कर रही है। देखो ये ऑन ऑफ़ करता हूँ मैं, देखो ये देखो, ये बंद हो गई, ये चालू हो गई। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।